अगर आप किसी ऐसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अब आपको लिब्रे ऑफिस भी सीखना होगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी लिब्रे ऑफिस की एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें ना सिर्फ लिब्रे ऑफिस के फीचर्स बल्कि वो सारे क्वेश्चंस भी हम क्लियर करा रहे हैं जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम बैक टू IAC कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं अथर आपके लिए लेकर आता रहता हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्यू मेन्यू के बारे में। लिब्रे ऑफिस राइटर की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यू मेन्यू के सारे ऑप्शंस के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लिब्रे ऑफिस राइटर की अभी तक हम 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस डिस्कस किया था, सेकंड वीडियो में फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शंस आपको क्लियर कराए थे, और थर्ड वीडियो में एडिट मेन्यू के सारे फीचर्स हम क्लियर करा चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं व्यू मेन्यू के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, व्यू मीन्स होता है देखना, यानी जो आपको लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस दिखाई दे रहा है इसके अंदर आप किन चीज़ों को शो करना चाहते हैं और किन चीज़ों को हाइड करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए व्यू में यहाँ पर आपको अलग अलग ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर नॉर्मल व्यू दिया हुआ है। अगर नॉर्मल व्यू की जगह हम वेब व्यू करते हैं तो आप देखेंगे ये बिल्कुल इस तरह से दिखाई देगा जैसे वेबसाइट के अंदर आपको व्यू दिखाई देता है। अगर आप वेबसाइट का व्यू देखना चाहें वेबसाइट व्यू पे इस तरह से देख सकते हैं, और दोबारा से अगर आप इसको नॉर्मल व्यू करेंगे तो ये नॉर्मल व्यू के अंदर आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर दे रखा है यूजर इंटरफेस। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस चेंज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप से उसके इंटरफेस चेंज करने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड टूल बार, यानी जो आपको टूल बार्स दिखाई दे रहे हैं ये स्टैंडर्ड टूल बार कहलाते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड टूल बार की जगह इसको टैब्ड कर देते हैं और यहाँ से अप्लाई टू ऑल कर देते हैं तो आप देखेंगे जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फाइल, होम, इंसर्ट, व्यू करके अलग अलग टैब दिए हुए होते हैं, आपका ये फॉर्मेट कुछ उस डिजाइन में दिखाई देगा। लेकिन देखिए यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अप्लाई टू ऑल और अप्लाई टू राइटर। यानी अगर सिर्फ आप लिब्रे ऑफिस राइटर पर इस टैब फॉर्मेट को लगाना चाहते हैं तो आप अप्लाई टू राइटर करेंगे, और अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल, इम्प्रेस और डेटाबेस सभी पर लगाना चाहते हैं तो आपको अप्लाई टू ऑल करना होगा यहाँ से। तो फिलहाल अगर मैं सब पे लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से अप्लाई टू ऑल कर दूंगा तो आप देखेंगे ये आपका एक टैब फॉर्मेट में दिखाई देगा। यानी सबसे ऊपर अगर आप इसको क्लोज करते हैं तो यहाँ पर आपको फाइल टैब दिखाई देगा, फिर होम, इंसर्ट, इस तरह से करके ये आपको टैब फॉर्मेट में दिखाई दे जाएगा। अगर आप फिर से स्टैंडर्ड टूल बार में करना चाहते हैं तो आप यहाँ साइड में जाएंगे और यहाँ यूजर इंटरफेस पर पहुंचेंगे, यहाँ से जाकर आप इसको फिर से स्टैंडर्ड टूल बार पर क्लिक करके अप्लाई टू ऑल करा देंगे। तो इस तरह से आप इसका इंटरफेस भी चेंज कर सकते हैं, यानी बिल्कुल उस तरह से भी कर सकते हैं जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है टूल बार। टूल बार्स देखिए आपको फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार दो चीजें यहाँ पर ये लगी हुई हैं। इसके अलावा अगर आपको और टूल बार्स की भी जरूरत होती है तो आप उनको टूल्स को यहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है स्टेटस बार। स्टेटस बार नीचे जो आपको टास्क बार दिखाई दे रही है उस टास्क बार के जस्ट ऊपर जहां आपको पेज नंबर दिखाई दे रहा है, पेज 1 ऑफ 2, और आपको यहाँ पर ये दिखा रखा है 302 वर्ड्स और आपको कैरेक्टर्स दे रखे हैं, डिफॉल्ट पेज स्टाइल दिया हुआ है, ये आपका होता है नीचे स्टेटस बार। अगर आप इस स्टेटस बार को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो देखिए आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, यानी इसको हाइड कर सकते हैं, और शो कराना चाहें तो आप दोबारा क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी के नीचे दिया हुआ है रूलर। अगर आप रूलर को लगाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं तो आप दिखाएंगे, और नहीं दिखाना चाहते तो हटा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से ऊपर से आपका ये रूलर हाइड हो गया है। फिर से इसको शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जाएंगे रूलर, और यहाँ से जाने के बाद इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये फिर से आपका शो हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर रूलर में शॉर्टकट की दी हुई है Ctrl Shift R। Ctrl Shift R का यूज करके आप डायरेक्टली रूलर को लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। रूलर आपको दो दिए हुए होते हैं, एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल रूलर और एक होता है आपका वर्टिकल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर यही है जो आपको दिखाई दे रहा है, और वर्टिकल रूलर साइड में आपको दिखाई देगा। जब मैं यहाँ नीचे से जाकर वर्टिकल रूलर लगाऊंगा तो आप देखेंगे इस साइड में भी आपका ये रूलर दिखाई देगा।
रूलर जो है वो पेज का मेजरमेंट बताता है, यानी जो पेपर का साइज है वो आपने कितना बड़ा ले रखा है या उसके अंदर आप जो मार्जिन है वो कितना कितना सेट करना चाहते हैं, ये आपको रूलर शो करता है। व्यू में जाकर यहाँ से रूलर को, अगर आप फिर से वर्टिकल रूलर आपको नहीं चाहिए तो आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे वर्टिकल रूलर यहाँ से गायब हो जाएगा। और इसी तरह हॉरिजॉन्टल रूलर भी आपको नहीं चाहिए तो आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट आर। देखिए कंट्रोल शिफ्ट आर से रूलर हट गया है, दोबारा मैं कंट्रोल शिफ्ट आर कर रहा हूँ फिर से ये रूलर आपको यहाँ पर शो हो गया है। इसके जस्ट नीचे दिया हुआ है स्क्रोल बार, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम रूलर लगाते हैं उसी तरह से स्क्रोल बार भी आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार और वर्टिकल स्क्रोल बार दिया हुआ होता है। ये आपको जो दिया हुआ है ये आपका वर्टिकल स्क्रोल बार कहलाता है स्क्रोल करने के लिए, यानी पेपर पे आप अगर ऊपर नीचे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्क्रोल कर सकते हैं। तो ये आपका है वर्टिकल स्क्रोल बार। अभी आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार यहाँ पर दिखाई देगा, इसके लिए हम एक काम करते हैं यहाँ से जूम लेवल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। जूम लेवल जब हमारा इस पेपर से यानी कि जो विंडो एरिया है उस विंडो एरिया से थोड़ा बढ़ जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार दिखाई देगा नीचे, और फिर से आप इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे जूम लेवल को कम कर लेंगे तो फिर से आपका ये यहाँ से स्क्रोल बार गायब हो जाएगा। तो अब इन सब चीज़ों को देखिए, अगर आप शो और हाइड करना चाहते हैं, मतलब ये जो स्क्रोल बार दिया हुआ है आपको इनको आपको हटाना है, तो व्यू में जाने के बाद स्क्रोल बार पर आप जाएंगे, अगर आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जो नीचे स्क्रोल बार आ रहा था वो यहाँ से हाइड हो चुका है। दोबारा से शो कराना चाहते हैं दोबारा आप इस पर क्लिक कर दीजिए यहाँ से तो फिर से आपका ये शो हो जाएगा। इसी तरह से व्यू में जाएंगे स्क्रोल बार, अगर आप वर्टिकल स्क्रोल बार को हटाना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ साइड से वर्टिकल जो स्क्रोल बार आ रहा था वो आपका यहाँ से हट चुका है। दोबारा से फिर शो करना चाहते हैं तो फिर से आप इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए फिर से यहाँ पर ये नीचे ऊपर शो करने लगे। तो ये स्क्रोल बार आप इस तरह से शो और हाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है ग्रिड एंड हेल्पलाइंस। इस पर अगर आप जाकर डिस्प्ले ग्रिड करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ग्रिड लाइंस दिखाई देंगी जो कि बहुत ज़्यादा लाइट कलर में है, हो सकता है ये आपको विजिबल नहीं हो रही हो, दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत चौकोर चौकोर खाने दिखाई दे रहे हैं डॉटेड लाइन में। तो ये ग्रिड लाइंस लगा सकते हैं हम अपने उस पर, ये इसलिए होता है कि अगर हम कोई शेप्स बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, इंसर्ट से जाकर मैं एक शेप बना लेता हूँ। शेप्स पे जाएंगे यहाँ से बेसिक शेप्स पर चले जाते हैं और यहाँ एक सर्किल बना लेते हैं, एक सर्किल हमने इस टाइप से बनाया और देखिए जब हम उसको मूव करा रहे हैं तो ये इस तरह से मूव हो रहा है, यानी अगर हम इसको मूव कर रहे हैं तो ये स्मूथली मूव नहीं हो रहा है। आप इसको मूव करेंगे तो ये अच्छा खासा स्पेस लेकर और मूव हो रहा है, यानी बहुत स्मूथली नहीं हो पा रहा है। अगर हम यहाँ व्यू में जाने के बाद ग्रिड एंड हेल्पलाइंस पर जाकर ये सेकंड वाला ऑप्शन यूज करें स्नैप टू ग्रिड, अगर इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम इसको आगे ले जाएंगे तो देखिए ये स्मूथली काम करेगा, यानी इसको जितना आप चाहें उतना आगे ले जा सकते हैं, यहाँ से इस तरह से स्मूथली ले जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है यहाँ पर हेल्पलाइन वाइल मूविंग, यानी जिस टाइम आप इस शेप को मूव कराते हैं तो वहां पर आपको एक हेल्पलाइन दिखाई दे, तो आप जैसे क्लिक करेंगे और उसके बाद जब आप इसको मूव कराएंगे तो आप देखेंगे इस तरह से आपको ये एक हेल्पलाइन दिखाई देगी, ठीक है, इस तरह से आप मूव करते टाइम आपको दिखाई देगी हेल्पलाइन। तो ये आप फीचर यहाँ से यूज कर सकते हैं, और दोबारा मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो आप देखेंगे इस तरह से मूव करते टाइम वो हेल्पलाइन आपको नहीं दिखाई देगी। इसी तरह से अभी इस पे देखो ग्रिड लाइंस लगी हुई हैं, ग्रिड लाइंस को अगर हमें हटाना है तो फिर हम व्यू पर जाएंगे और यहाँ से जाकर ग्रिड हेल्पलाइंस पर डिस्प्ले ग्रिड कर देंगे तो ये आपका यहाँ से हाइड हो जाएगी ग्रिड लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है फॉर्मेटिंग मार्क्स। फॉर्मेटिंग मार्क्स देखिए ये जो साइन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे या डायरेक्ट शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस F10 तो फॉर्मेटिंग मार्क्स यहाँ पर आपको सब जगह दिखाई देगा। देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मेटिंग मार्क्स, लास्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है फॉर्मेटिंग मार्क, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, यानी ये बताता है कि आपने कहाँ कहाँ पर एंटर का इस्तेमाल किया है। एक एंटर आपने यहाँ लगाया है, एक एंटर यहाँ लगाया है और बाकी यहाँ पर ये एंटर्स लगा रखे हैं। जिस जिस जगह हमने एंटर का इस्तेमाल किया है वहाँ ये आपको फॉर्मेटिंग मार्क्स दिखाई देगा। इसको हाइड करना है तो दोबारा हम यहाँ जाएंगे फॉर्मेटिंग मार्क्स पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ से हाइड हो जाएगा, हट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है टेक्स्ट बाउंड्रीज। टेक्स्ट बाउंड्रीज जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट के चारों तरफ एक बाउंड्री दिखाई देती है। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये एक ट्राइंगल टाइप दिखाई दे रहा है, इस तरह से यहाँ पर एक लगा हुआ है बाउंड्री, एक बाउंड्री यहाँ लगी हुई है, ये आपकी ऊपर लेफ्ट साइड पर कॉर्नर पर हो गई, ये राइट कॉर्नर पर हो गई, नीचे साइड देखेंगे इसी तरह से यहाँ पर भी ये टेक्स्ट बाउंड्री आपको
दिखाई देगी। अगर आप इस टेक्स्ट बाउंड्री को हाइड करना चाहते हैं तो व्यू में जाने के बाद यहाँ से टेक्स्ट बाउंड्री पर जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ से टेक्स्ट बाउंड्री आपकी हाइड हो चुकी है। फिर से शो कराना चाहते हैं तो आप फिर से यहाँ जाएंगे और टेक्स्ट बाउंड्री पर क्लिक कर देंगे, फिर देखेंगे तो आपकी ये टेक्स्ट बाउंड्री फिर से शो हो जाएगी। इसी तरह नीचे आपको दे रखा है टेबल बाउंड्री। टेबल बाउंड्री के लिए देखिए मैंने यहाँ पर नीचे इसीलिए आपको ये टेबल बनाकर दे रखी है। अगर हम टेबल की बाउंड्री को नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर हम टेबल बाउंड्री पर क्लिक कर देंगे एक बार, तो आप देखेंगे यहाँ से ये हाइड हो जाएगी। फिर से शो कराना चाहते हैं तो फिर हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ये बाउंड्री फिर से दिखाई देने लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है इमेज एंड चार्ट्स। अगर आप इमेज या कोई चार्ट आपने बना रखी है और उसको शो नहीं करना चाहते हैं, आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो चार्ट बना हुआ था वो आपका हाइड हो गया है। फिर से शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर से आप क्लिक करेंगे, फिर से ये आपका चार्ट शो होने लगेगा। तो ये इस तरह से शो एंड हाइड के लिए आपको व्यू के अंदर सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है शो वाइट स्पेस। ये शो वाइट स्पेस आपको देखिए यहाँ जो ऊपर का एरिया दिखाई दे रहा है, ये टॉप में जो आपको हेडर एरिया दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर वाइट एरिया है। इस वाइट एरिया को अगर हम खत्म करना चाहें तो यहाँ व्यू से जाने के बाद में आप जैसे शो वाइट स्पेस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये जो आपका मैटर है वो बिल्कुल आपका ऊपर मिलकर आया है। दोबारा आप इस पर क्लिक कर देंगे शो वाइट स्पेस पर तो आप देखेंगे यहाँ पर फिर से ये एरिया आपको दिखाई देने लगेगा। तो ये इस एरिया को शो और हाइड करने के लिए आप यहाँ से जाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर दे रखा है शो ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस ये वही है जो मैं पिछली वीडियो में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि एडिट से जाकर अगर हम ट्रैक चेंजेस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से जाकर रिकॉर्ड करते हैं और टाइप करते हैं तो आप देखेंगे इसका जो ट्रैक है वो चेंजेस होकर आएगा, मतलब बदल कर आएगा। जो ऊपर मैटर है उसका कलर अलग है और यहाँ पर कलर अलग है। अगर आप इस कलर को हटाना चाहते हैं तो व्यू से जाने के बाद यहाँ से शो ट्रैक चेंजेस करेंगे तो देखिए ये कलर यहाँ से हट चुका है। दोबारा शो करना चाहते हैं दोबारा से आप इस पर क्लिक करेंगे फिर से ये कलर वापस आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और एडिट से जाने के बाद शो ट्रैक चेंजेस पर दोबारा से यहाँ पर क्लिक कर देंगे जिससे कि वो नॉर्मली मैटर आ जाए हमारा। तो ये समझ में आ गया, इस तरह से हम शो ट्रैक चेंजेस को देख भी सकते हैं और यहाँ से हाइड भी करा सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू के अभी मैंने आपको ऑप्शंस क्लियर नहीं कराए हैं, लेकिन देखिए क्योंकि फील्ड की बात चल रही है तो यहाँ पर हम फील्ड लगा लेते हैं। मैं अपना कर्सर यहाँ नीचे रख लेता हूँ इस जगह पर और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से फील्ड से जाकर मैंने यहाँ आज की डेट डाल दी तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको डेट दिखाई देगी। इसी तरह अगर हम आज का टाइम लेना चाहें तो यहाँ पर इंसर्ट में जाकर फील्ड्स पर जाएंगे और फील्ड में जाने के बाद यहाँ से टाइम यूज कर लेंगे तो आप देखेंगे डेट और टाइम दोनों चीजें आ रही हैं। और उस पर आप देखेंगे तो यहाँ पर व्यू से जाकर फील्ड शेडिंग, ये शेडिंग उसकी बात कर रहे हैं जो ग्रे कलर में यहाँ पर शेड दिखाई दे रहा है। अगर इस शेड को आप हटाना चाहते हैं तो व्यू से जाकर आप फील्ड शेडिंग पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल के साथ में F8 कमांड यूज करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ से शेडिंग चली जाएगी। फिर से इसे शो करना है तो आप कंट्रोल के साथ में F8 यूज करिए, देखिए फिर से आ गया। फिर कंट्रोल F8 करूंगा मैं, फिर से यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम यहाँ से फील्ड शेडिंग को लगा सकते हैं और हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है फील्ड नेम्स, यानी कि अगर ये जो आपके हमने डेट और टाइम डाला है, अगर हम डेट और टाइम ना लिखकर इसकी जगह डेट और टाइम नेम लिखना चाहते हैं तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो वो डेट और टाइम नहीं देगा बल्कि उसकी जगह पर डेट और टाइम यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो इसको यहाँ से आप इस तरह से हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आपको दिया हुआ है साइड बार। साइड बार पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से साइड बार आपकी ये हाइड हो चुकी है। दोबारा से अगर आप इसको शो करना चाहते हैं कंट्रोल के साथ में आप F5 भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपकी साइड बार शो होने लगेगी। इसको आप यहाँ से शो और हाइड करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है स्टाइल, उसकी शॉर्टकट की होती है F11। F11 से आप डायरेक्ट स्टाइल्स पर जा सकते हैं या डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ साइड बार में आपको स्टाइल्स के फंक्शंस दिखाई दे जाएंगे। दोबारा से आप इसको हाइड करना चाहते हैं फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं तो ये यहाँ से हट जाएगा। और अगर आप फिर से लगाना चाहते हैं तो व्यू में जाने के बाद में फिर से आप स्टाइल पर क्लिक करेंगे फिर से आ जाए। तो इसको यहां से हटाने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा, ये हट जाए। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आपको दिया हुआ है गैलरीज। आप गैलरीज पर जाएंगे तो यहां देखिए गैलरीज खुल जाएंगी और इसमें अलग अलग टाइप की आपको शेप्स वगैरह दिखाई देंगी।
आप अगर इसमें फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं, आइकन्स बनाना चाहते हैं, बुलेट्स लेना चाहते हैं, एरोज लेना चाहते हैं, तो वो एरोज आप यहाँ पर ले सकते हैं अपनी इमेज के, इसमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर दे रखा है नेविगेटर। नेविगेटर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये बताएगा कि आपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर किन किन चीजों को ले रखा है। देखिए आपने इसके अंदर टेबल ले रखी है तो टेबल देखिए यहाँ शो कर रहा है। आपने इसमें ऑब्जेक्ट लिंकिंग यानी कि जो ये चार्ट बना रखा है तो वो चार्ट के लिए यहाँ पर OLE ऑब्जेक्ट आपको बता रहा है वो ले रखा है। इसी तरह अगर आपने इमेजेस यहाँ पर बना रखी होती, फ्रेम्स बना रखे होते, बुकमार्क्स लगा रखे होते, सेक्शंस लगा रखे होते, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर एक्टिव हो जाती। तो फिलहाल अभी इसके अंदर सिर्फ दो चीजें एक्टिव दिखा रहा है, वो एक टेबल और दूसरा OLE ऑब्जेक्ट्स। तो ये नेविगेटर हमें बताता है कि हमने किन किन चीजों को यहाँ पर यूज कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आपको दिया हुआ है डेटा सोर्सेज। डेटा सोर्सेज यानी जो इसके डेटा के सोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। आप क्वेरीज पर या टेबल पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको टेबल से रिलेटेड ये सारी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। अगर इन सब चीज़ों को आप हाइड करना चाहते हैं, दोबारा डेटा सोर्स पर क्लिक कर देंगे। इसकी शॉर्टकट की आपको दी हुई है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4। इस शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करेंगे फिर से ये सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है फुल स्क्रीन। अगर आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, या कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, क्लिक करते ही आप देखेंगे ये फुल स्क्रीन पर हो जाएगा। दोबारा से आप इसको नॉर्मली करना चाहते हैं फुल स्क्रीन बटन पर यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे, फिर से आपका ये नॉर्मल हो जाएगा। लास्ट पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है जूम, यानी जो जूम लेवल आप यहां से सेट करते हैं वही जूम लेवल आप यहां से भी कर सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर दे रखा है एंटायर पेज, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे एंटायर पेज आपको यहां पर व्यू हो जाएगा, दिखाई दे जाएगा। इसी तरह व्यू में जाकर अगर आप जूम से जाकर इसको पेज विड्थ करते हैं तो आप देखेंगे जो पेज की विड्थ है वो यहां पर सेट हो जाएगी दोनों साइड में। और इसी तरह से अगर आप जूम पर जाने के बाद में इसको ऑप्टिमल व्यू करते हैं तो जितने एरिया में आपका वर्क हुआ हुआ है उस एरिया को वो पूरी विंडो पर सेट कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए और भी दे रखे हैं, जैसे अगर आपको 50% साइज करना है तो ये 50% साइज कर देगा। व्यू में जाएंगे जूम लेवल पर जाएंगे, अगर आपको 75% करना है साइज 75% हो जाएगा। और अगर आप जूम पर जाकर यहां से उसको वेरिएबल करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, यानी आपको 85% करना है तो आप यहां से 85% कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।